हाय एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीपीओ का जो आपका टीयर वन हो चुका है जो कि शेड्यूल था तीन से पांच ऑफ अक्टूबर तो उसकी सारी शिफ्ट हो चुकी है प्लस आंसर की भी कल आ चुकी थी तो उसके बेस पे हम डेटा जो हमने गूगल फॉर्म से निकाला है प्लस आंसर की होने के बाद जो कलेक्शन हुआ है उसके डेटा के बेस पे हम एनालिसिस करेंगे कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके टीयर वन की कितनी जा सकती है और आगे आगे कौन से राउंड होंगे राइट तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है क्योंकि जितनी ज्यादा सीट उतनी कम कट ऑफ जाने का एक्सपेक्टेशन होता है बट अगर इस बार की हम वैकेंसीज़ की बात करें दिल्ली पुलिस की पर्टिकुलरली तो ओपन में हमारे लिए 88 एट वैकेंसीज है जिसमें कि यू की 39, नाइन ओ की 21, वन की 12, एस की 6 और ई कैंडिडेट्स की 10। तो ये हो गई अपनी जो हमें दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज से लेना देना होता है और जो फीमेल की है वो फिफ्टी है वो आप रिस्पेक्टिवली देख सकते हो ट्वेंटी फोर के लिए ओ के लिए तेरह एस के लिए सात एस के लिए चार और ईडब्ल्यू के लिए पांच जो कि काफी कम है विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर काफी ज्यादा वैकेंसीज थी आप देख सकते हो टोटल कितनी थी ऑलमोस्ट चार हजार और अगर इनकी हम ऐड कर दें तो हमारी मेल के लिए थी चार हजार एक सौ इकसठ वेर एज फीमेल के लिए थी हमारी पाँच सौ बत्तीस वैकेंसी वेर एज इस साल अगर आप देखेंगे तो काफी ही ज्यादा कम दिखने को मिल रही है आप कंपेयर कर सकते हैं आधी से भी कम वैकेंसीज है इसका मतलब कट ऑफ लास्ट ईयर के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा जाने की लाइक like, प्रोबेबिलिटी है और जाएगी भी क्योंकि आप बेसिक दिमाग लगा सकते हैं कि वैकेंसीज काफ़ी कम हो गई हैं इस बार हर उसमें लाइक like कि यू के लिए भी कि हर कैटेगरी के से तो एग्जाम प्रोसेस की अगर हम बात करें तो टीयर वन होता है वो हो चुका है इसके बाद आपका होगा फिजिकल जिसकी भी डेट आपके नवंबर मिड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपकी 22 दिसंबर को आपका मेंस तो बीच में ही तो मेडिकल ओ, ओ, टेस्ट होता है, बात बात है अगर मीनस क्लियर हो जाता है तो एग्जाम पैटर्न आई होप सबको पता होगा कि चार सेक्शन आते हैं पचास 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 सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग पहले बोला था वन थर्ड होगी बट उसके बाद नोटिस आ गया था कि वन फोर्थ होगी यानी एक नंबर सही होने पे और जीरो पॉइंट पच्चीस नंबर कटेगा गलत होने पे आंसर की रिलीज हो चुकी है तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं वरना आप कोड्स या किसी रैंक आईक्यू पे जाके अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो ये है जो कि एवरेज अटेम्प्ट्स का का है है ये आंसर की आने से पहले का था ठीक तो आंसर की आने से पहले जो बच्चों ने डेटा डाला था रैंक आईक्यू पे अलग अलग पेजेस पे मेरे पेज पे जहाँ पर दो लाख चौसठ हजार बच्चे के करीब हैं तो उन्होंने जिन जिन उन्होंने पेपर दिया था उन्होंने अपना डेटा डाला तो आप देख सकते हैं कि तीसरी

ये हो गया आंसर की आने से पहले अब आंसर की कल आ गई थी तो बहुत फॉर्म्स में उन्होंने अपना URL, जो आंसर की का होता होता है 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 ना तो तो आपको उसमें डालना होता है, और डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाता है कि मेरे इतने, इतने इतने नंबर बन रहे हैं तो इसमें कोई वो नहीं है जैसे पिछले वाले में कोई बच्चा बोल सकता है कि कोई गलत भी एंट्री मार देगा कि सर मैंने पैंतालीस सही होंगे इसमें कोई गलत होने का चांस नहीं है एक्चुअल मार्क्स हैं बच्चों के रो स्कोर ठीक है तो उसके बेस पे डेटा तो प्लस आप देख सकते हो कि ये है अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू टफ टू इजी तो ये सबसे टफ शिफ्ट थी और ये सबसे इजी शिफ्ट थी विद रिस्पेक्ट टू द डेटा तो आप देख सकते कितने सारे बच्चों ने एक्चुअल आंसर किए एक्चुअल ये कोई डेटा नहीं है कि किसी ने मैनुअली डाला है ये आप यूआरएल कॉपी करके डालोगे तो आता है ये डेटा ठीक है तो आप देख सकते क्लोज टू सत्ताईस हजार बच्चों ने अपना डाला है रिजल्ट इधर ठीक है और ये सत्ताईस हजार बच्चे वही हैं जो पढ़ रहे हैं क्योंकि जिसको नहीं पता है वो इतना वेबसाइट पे जाके यू आर एल कॉपी पेस्ट नहीं करता है उसको ये भी नहीं पता होगा आंसर किया तो ये पढ़े लिखे बच्चे इसका इनका स्कोर है ठीक है तो एवरेज स्कोर आप देखोगे कि, कि जो तीन तारीख की जो शिफ्ट थी इवनिंग यानी चार से छह वाली थर्ड शिफ्ट थी तो सबसे टफ है जिसमें कि एवरेज स्कोर उनका बन रहा है एक सौ पांच पॉइंट तू मान लो ठीक है 105 Whereas, फिर सबसे दूसरे नंबर पे थी आपकी तारीख की सेकंड शिफ्ट यानी आफ्टरनून शिफ्ट साढ़े बारह से ढाई ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं पांच तारीख की शिफ्ट थी इवनिंग वाली लास्ट दिन की इवनिंग शिफ्ट और सबसे इजी थी चार तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सॉरी इवनिंग शिफ्ट जिसमें की एवरेज स्कोर आपका जा रहा है एक के करीब ठीक है यानी कि ये सबसे इजी शिफ्ट रही होगी अब खेल आता है नॉर्मलाइजेशन का क्योंकि अगर कोई क्यों बच्चा टफ में 105 ला रहा है और कोई बच्चा इजी में 117 ला रहा है तो नाउ उनके नंबर नॉर्मलाइजेशन होंगे यानी इक्वल करे जाएंगे बेसिकली फंडा ये रहता है तो मैंने नॉर्मलाइजेशन का एक छोटा सा वो डाल भी दिया है कुछ नहीं करा कि इनको माइनस करके बेसिकली डाला ये कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे तो साढ़े बारह प्लस अगर किसी के 130 सौ तीस आए होंगे तो उसके 12 से ज़्यादा ही इंक्रीज़ होंगे क्योंकि वो टफ़ शिफ्ट में अच्छे नंबर लेके आए तो उसके कम से कम 15 के करीब नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं तो ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा हो सकता है तो आप कम से कम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके 12 नंबर बढ़ जाए ठीक है वेर एज़ एक से आप इतना इतना आप ऐडअप कर लेना अपनी शिफ्ट में कम से कम इतना ऐडअप कर लेना कम से कम बोल रहा हूँ मैं कि आपके इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके इतने नंबर बढ़े तो मेरी शिफ्ट शायद ये थी या फिर ये वाली थी मेरे को याद भी नहीं है शायद ये थी तो तो मेरी इजी शिफ्ट थी मेरे स्कोर तो आपको सबको पता है ये माइनस पचास है ठीक है तो आप देख सकते हो कि इतना इतना एक्सपेक्टेड कर सकते हो आप कि आपके इतना स्कोर इंक्रीज हो सकता है और लेवल ऑफ टफनेस के हिसाब से शिफ्ट का अलाइनमेंट है अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी तो देखो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी काफी ज्यादा उस टाइम ये ये कट ऑफ गई थी कि यूआर की 115 ठीक है ओबीसी की 102 ये मेल कैंडिडेट के लिए फीमेल के लिए आपकी 118 ज्यादा जाती है क्योंकि उनकी वैकेंसीज कम होती है कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होता है वेयर एज लास्ट ईयर 2021 में आप इसमें ध्यान रख लो 2021 में और 2023 में सेम वैकेंसीज हैं, तो आप कंपेयर अगर आपको करना है तो 21 के डेटा को 23 से करना ट्वेंटी वाले को मत करना क्योंकि ट्वेंटी में भी सेम लेवल ऑफ वैकेंसीज थी एज कंपेयर टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो ट्वेंटी वन और ट्वेंटी थ्री की वैकेंसीज ऑलमोस्ट सेम है तो आप थोड़ा बहुत कम्पेरिजन कर सकते हो प्लस अगर हम बात करें कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई करते हैं तो क्लोज टू एट एक्स तो यानी एट एक्स के करीब क्वालिफाई करवाएंगे वो वैकेंसीज से लेके प्लस ज़्यादा ही कराएंगे इसमें मेन जो होता है फिजिकल में बच्चे बाहर होते हैं तो इसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भी क्वालिफाई करा सकते हैं तो जैसे आप देख सकते हो पंद्रह गुना के करीब आपकी क्वालीफाई uh, कराएंगे उसके बाद फिजिकल के बाद क्लोज टू एट एक्स और फाइव एक्स आपके बच्चे बच जाते हैं मेंस के लिए तो फाइनल के लिए आपके एट एक्स और फिफ्टीन एक्स बच्चे क्वालिफाई कराते हैं ना पंद्रह गुना अगर 100 तो सो वैकेंसीज हैं तो पंद्रह सौ बच्चे क्वालिफाई करेंगे आपकी फर्स्ट ईयर को तो ऐसा आप ले सकते हो तो दो हजार वैकेंसीज है तो आप एक्सपेक्ट कर लेना पंद्रह गुना कितने क्वालिफाई कर सकते हैं नाउ अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो मेरे हिसाब से इस बार थोड़ी सी हाई जाएगी बिकॉज ऑफ वैकेंसीज़ थोड़ी सी कम है प्लस मुझे लगा पर्सनली पेपर थोड़ा सा ईजी आया है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर सो आप अगर आप मेल कैंडिडेट की बात करो तो यू के लिए 126 के करीब प्लस इसमें दो या तीन नंबर का आप एरर लेके चलना प्लस माइनस मेरे हिसाब से माइनस तो नहीं होना चाहिए बट इतने के करीब रहना चाहिए देखो इससे ज़्यादा मतलब अगर आपके 120 से ऊपर आ रहे हैं तो आप ट्राई ट्राई कर सकते हो मेंस के लिए स्टिल मैं ट्राई करूँगा जिसके 126 है वो सेफ फील कर सकता है थोड़ा बहुत तो ओबीसी के लिए 113 सौ कैंडिडेट के लिए 115 सौ के लिए नाइन्टी सिक्स के लिए नाइन्टी अगर आप मेल स्टूडेंट है फीमेल के लिए थोड़ी सी मुझे लग रही है ज़्यादा जाएगी क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम है तो 131 यूआर के लिए ओबीसी के लिए 125 सौ पच्चीस एंड एस से अगर आप हो तो 106 और 98 अगर आप एस से हो ये हो गई फीमेल की अगर हम बात करें अब आगे फिजिकल में क्या क्या होता है आपका तो मेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले आपकी जो मैंने दे रखा है उसमें होती है सबसे पहले आपकी रनिंग ठीक है इसमें सबसे ज्यादा बच्चा बाहर होता है देन उसके बाद आपकी 100 मीटर की रनिंग करा देते हैं उसी के पांच मिनट में भी टाइम नहीं मिलता पांच मिनट के बाद ही उसकी रनिंग हो जाती है सो मीटर की ये सबकी क्वालिफाई हो जाती है जनरली उसके बाद आपकी होती है लॉन्ग जंप जिसमें कि कुछ कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं थोड़े बहुत फिर आती है हाई जंप तो आप हाई जंप और रनिंग पे ज्यादा फोकस करना इन दोनों पे सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं मैं भी लास्ट टाइम हाई जंप जम्पे बाहर हुआ था तो आप देख सकते हैं इन दोनों पे थोड़ा फोकस कर लेना ये सबका क्लियर हो जाता है फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग है आपकी चार मिनट में और बाकी जो है इजी होता है तो आप हाई जंप और रनिंग पे थोड़ा सा फोकस कर लेना बाकी चीज़ें आपकी मेंटेन हो जाएंगी देन उसके बाद फिजिकल होने के बाद आपकी हाइट चेक करी जाती है तो मेल के लिए वन सेंटीमीटर है और वन फीमेल के लिए ठीक है उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है मेन्स का डेटा आ जाता है और मेन्स का जो आपका रिजल्ट आता है सॉरी आज की डेट्स आती है वो है बाईस दिसंबर इस बार की ऑलरेडी अनाउंस्ड है तो उसमें आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा दो सौ क्वेश्चन आएंगे के के इंग्लिश के, और दो में से ना मार्किंग स्कीम वही रहती है एक नंबर सही होने के और जीरो पॉइंट पच्चीस अगर आपका गलत हो जाता है दो घंटे का पेपर है उसके बाद आपके फाइनल मार्क्स आ जाते हैं और मेडिकल की डेट आ जाती है उसके बाद मेडिकल में कुछ कुछ बच्चे बाहर होते हैं फिर फाइनल आपका अनाउंस हो जाता है तो ये होता है टोटल प्रोसेस सो तो थैंक यू अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक like कर देना प्लस कमेंट uh, में बता देना आपका स्कोर कितना है और कौन सी शिफ्ट थी क्योंकि शिफ्ट बहुत मैटर करती है एंड आई होप आपका हो जाएगा वरना सी का मेंस का रहा है एंड आई होप आपका क्वालिफाई भी हो गया होगा प्री सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल मिलते हैं अगली वीडियो में